अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 63 पिक्सल्स। एडोब इलस्ट्रेटर में इस टाइप का 3D इफेक्ट 3D ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है ये बनाना बहुत आसान है। इसके अंदर मैंने 3D मटेरियल यूज़ किया है, वो कहाँ से डाउनलोड करा है मैंने और किस तरीके से इसको मैंने ऐड करा है इलस्ट्रेटर में, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ न्यू पे, यहाँ से हम कोई भी न्यू पेज ऐड कर लेते हैं और इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लें शेप और इसका जो फील है इसको कर लें क्लोज और स्ट्रोक ऑन रखिएगा, विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो इसके बाद मुझे इसको यहाँ से हाफ करना है। सबसे पहले ले लेते हैं हम पेन टूल ताकि यहाँ पे बीच में एंकर पॉइंट ऐड कर लें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको कर लेते हैं डिलीट और यहाँ से इसको कर लेते हैं थोड़ा सा राउंड। अब इसके बाद इस पर आए, यहाँ से ले लें इलिप्स टूल और यहाँ से एक शेप बना के इसको कर लेते हैं हाफ। अब इसको यहाँ पे एक और दूसरा यहाँ पे थोड़ी देर में तो हम सेंटर में कर लेंगे। पहले एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से और इसको कर लेते हैं यहाँ पे एक इसके को कॉपी लेके उसको ले आएंगे सबसे नीचे। इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करें इस लाइन पे और अगेन इस पर क्लिक करें ताकि हमारा ये मूव ना हो, सिर्फ ये दोनों मूव हो। यहाँ पर आके इसको अलाइन करें और इसके बाद इन सब को कर लें सिलेक्ट, यहाँ से ग्रुप करें और ग्रुप लाजमी करिएगा। अगर आप ग्रुप नहीं करेंगे तो 3D ऑप्शन में जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपके पास थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे ऑप्शन हाइड आ रहे होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं इफेक्ट 3D एंड मटेरियल्स और यहाँ से पहले वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें। थोड़ी सी लोडिंग लगा यहाँ पे इसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से लेफ्ट एज को हटा के कर दें राइट एज, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा और उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद हमें ऐड करना है यहाँ से मटेरियल्स, इस पर क्लिक करें और मेरे पास जो है ये वाला है एक आयरन रस्ट, इस पर आप यस क्लिक करें, ये आ गया। और यहाँ से आप कर लें सेटिंग, कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ पे आप वैल्यू ऐड करके इसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये वाला मटेरियल शो ना हो रहा हो आयरन रस्ट तो ये हम कहाँ से डाउनलोड किया है मैंने, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप आएँ, ये आपके पास एक ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पर, ये देखें, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है उस पर ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मटेरियल दिए हुए 3D वगैरह, तो हम यहाँ पे पहले हम सर्च करते हैं जो मैंने यूज़ किया हुआ है आयरन रस्ट और इसका जो फॉर्मेट है इसको कर लेंगे SBSAR। इसके अलावा अगर आपने फॉर्मेट किया तो क्या पता आप फोटोशॉप ना एक्सेप्ट करें। तो जो मेरे पास जो था मटेरियल वो है ये वाला आयरन रस्ट, तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं आपको कोई और सा डाउनलोड करके दिखाता हूँ। हम कर लेते हैं चलें ये वाला, इस पर यस क्लिक करें यहाँ पर डाउनलोड पे। अगर आपके पास यहाँ पर डाउनलोड ना हो तो यहाँ पे आप साइन इन कर लिया, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा होगा साइन इन का, साइन करने के बाद
आप उस पर आसानी से कोई भी मटेरियल आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आ जाएं आप इलस्ट्रेटर पे, यहाँ पे प्लस का निशान दिखा रहा है ये रहा। इस पर आने के बाद यहाँ पर जैसा आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एड मटेरियल, इस पर क्लिक करें। अब मेरे पास जो डाउनलोड हुआ ये आया डाउनलोड में फाइल, ये सबसे पहले वाली फाइल, इस पर कर लें ओपन। ये ऑलरेडी एड है मेरे पास, वो ये रहा। इस पर आप क्लिक करें, अगर आपके पास इस तरह से मतलब आपके पास पहले से ऐड है तो इसलिए ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, नहीं तो अगर आप कोई और सा डाउनलोड करें, अगर हम गार्बेज वाला कर लेते हैं डाउनलोड, जैसे आप क्लिक करें और ये जल्दी डाउनलोड हो जाता है। ये और आ जाए इलस्ट्रेटर पे, यहाँ से प्लस पे एड मटेरियल डाउनलोड और गार्बेज टू ओपन। थोड़ा सा उसको मैं करता हूँ स्क्रॉल डाउन, तो ये लोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा रिपीट कर रहा है टेक्सचर को, ये आपका इफेक्ट रेडी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे और भी दिए होते हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको समझ में आए उसको आप अप्लाई करें और चेक करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे मेरी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।